नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मन की बात में पीएम मोदी ने की बिहार की तारीफ। मधुबनी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और सुकेत मॉडल को पीएम ने सराहा। 3 बजे कर्पूरी सभागार में होगी जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक। सीएम नीतीश कुमार करेंगे बैठक को संबोधित। मनेर दौरे पर राजद नेता तेज प्रताप यादव बाढ़ पीड़ितों से मिल कई प्रभावित क्षेत्र का लेंगे जायजा। जेडीयू कार्यालय के सामने बिहार शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक संघ का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर सीएम से गुहार लगाने पहुंचे शिक्षक। और चलिए अब खबरें विस्तार से। भाया सुकेत मॉडल, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 80वें संस्करण के दौरान खेल दिवस से जुड़ी अपनी बातें रखी। और उस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत की कामयाबी के साथ युवाओं में खेलों के प्रति ललक देखने को मिली है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अध्यात्म और दर्शन पर भी बात की। इसके साथ ही त्योहार की महत्ता को समझाते हुए अगली पीढ़ियों तक संस्कारों को बढ़ाने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा तैयार सुकेत मॉडल की तारीफ की। और आपको बताते हैं कि सुकेत मॉडल आखिर है क्या, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। खेलकूद, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना, ऊर्जा से भर देना है, निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खेलें। और आपको याद है ना, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। जी हां, सबका प्रयास। जन्माष्टमी का यह पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं, नटखट कन्हैया से लेकर के विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर के शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण तक। कला हो, सौंदर्य हो, माधुर्य हो, कहाँ कहाँ कृष्ण है। लेकिन ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि जन्माष्टमी से कुछ दिन पूर्व मैं एक ऐसे दिलचस्प अनुभव से गुजरा हूं, तो मेरा मन करता है मैं ये बातें आपसे करूं। जब आज भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन महान परंपराओं को आगे लेकर जाएं। जो कालबाह्य है उसे छोड़ना ही है, लेकिन जो कालातीत है उसे आगे भी ले जाना है। हम अपने पर्व मनाएं, उसकी वैज्ञानिकता को समझें, उसके पीछे के अर्थ को समझें। इतना ही नहीं, हर पर्व में कोई न कोई संदेश है, कोई न कोई संस्कार है। हमें इसे जानना भी है, जीना भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है। मैं बिहार के मधुबनी से आया है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुकेत मॉडल। सुकेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है।
यानी सुखेत मॉडल के चार लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे, और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। आप सोचिए, इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्या है सुखेत मॉडल और ये मॉडल प्रधानमंत्री को इतना क्यों भाया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बता दें कि मधुबनी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र ने ये मॉडल तैयार किया है। तो सुखेत मॉडल जिसे मधुबनी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र ने तैयार किया है, और इसी के साथ मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के सुखेत गांव में इस मॉडल को तैयार किया गया है। तो मधुबनी जिले में सुखेत मॉडल को तैयार किया गया है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मधुबनी में जो सुखेत मॉडल तैयार किया गया है, सुखेत गांव के कारण ही इस मॉडल का नाम पड़ा है, सुखेत मॉडल। तो मधुबनी जिले में सुखेत गांव है और इस मॉडल का नाम सुखेत गांव के नाम पर पड़ा है, सुखेत मॉडल। और सुखेत मॉडल से किसानों के साथ ही महिलाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है। तो सुखेत मॉडल से किसानों के साथ महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है, और यही कारण है कि सुखेत मॉडल की हर ओर तारीफ हो रही है। मॉडल से स्वच्छता मिशन को भी फायदा मिल रहा है। तो सुखेत मॉडल से काफी कह सकते हैं कि या महिलाओं को भी फायदा मिल रहा है, सुखेत मॉडल से स्वच्छता मिशन को भी फायदा मिल रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात में भी सुखेत मॉडल की तारीफ की है। एकत्रित कचरे से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो सुखेत मॉडल की ये खासियत हम आपको बता रहे हैं, जहां सुखेत मॉडल के ये फायदे हैं, जिससे महिलाओं को भी फायदा होता है, इससे स्वच्छता मिशन को भी लाभ मिल रहा है। और इसी के साथ मधुबनी कृषि विश्वविद्यालय में जो ये मॉडल तैयार किया गया है, कृषि विज्ञान केंद्र ने इस मॉडल को तैयार किया है, सुखेत मॉडल की ये खासियत है, जिसे झंझारपुर प्रखंड के सुखेत गांव में तैयार किया गया है। सुखेत गांव के नाम से ही इस मॉडल को नाम दिया गया है, सुखेत मॉडल, जिससे महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है, स्वच्छता मिशन को भी इस मॉडल से लाभ मिल रहा है। तो सुखेत मॉडल से किसानों के साथ ही महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है, सुखेत मॉडल से स्वच्छता मिशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जो स्वच्छता की बात पूरे देश में कही जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वच्छ भारत अभियान की बात करते नजर आते हैं, तो सुखेत मॉडल से स्वच्छता मिशन को भी बढ़ावा मिल रहा है, स्वच्छता का भी लाभ मिल रहा है, मॉडल से स्वच्छता मिशन का फायदा भी हो रहा है। और बता दें कि आज जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में नेशनल काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जिसको लेकर तैयारी अंतिम रूप ले रही है। और उस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और दोपहर 3 बजे कर्पूरी सभागार में यह बैठक होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। और इस तमाम स्थितियों का, तमाम तैयारियों का जायजा लिया है हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने, जरा देखिए। राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, आपको बता दें कि कल बीते दिन राष्ट्रीय परिषद के जो पदाधिकारी हैं तो होते हैं उनकी बैठक थी, करीब 18 लोग उसमें शामिल हुए थे, जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष के साथ उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उसके अलावा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी त्यागी वो भी मौजूद थे। हमारे पीछे आप देख लें कि यह जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश कार्यालय है, जहाँ पर आज 3 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। आप देख लें किस समय और हर चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। आप देख लें नेशनल काउंसिल मीटिंग डेट 29 अगस्त, वेन्यू कर्पूरी सभागार। कई सारी बातों को लेकर इस बार ये अहम इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत सारी बातें जो सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो राष्ट्र परिषद की बैठक होने वाली है, राष्ट्र परिषद की बैठक में कई मुद्दों पर जो है वो मोहर लग सकती है। क्योंकि जब बीते दिन हमने जब बात की थी केसी त्यागी से, तो केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा था कि जो नेशनल काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी नई दिल्ली में, वहाँ पर जो एजेंडे थे उस पर मोहर लगने वाली है। उसके बाद अब आपको बता दें कि ये देख लें, ये तस्वीरें लगा दी गई हैं आज जो बैठक है उससे पहले, और तमाम तैयारियाँ जो हैं वो अंतिम रूप में दे दी गई है। लेकिन हालांकि अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन 3 बजे के बाद जब बैठक शुरू होगी तब अंदर जाया जा सकता है। उसके अलावा
आपको अंदर की तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। लेकिन आज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है उसमें तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री हों, चाहे केंद्र मंत्री आरसीपी सिंह हो, चाहे केसी त्यागी हो, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ललन सिंह हो। तमाम बातें ये आ रही थी कि जदयू में कहा जा रहा था कि 3 जो पावर स्टेशन है वो बन के सामने आ गए हैं, लेकिन इस पर अब पूर्ण विराम लग गया है। बीते दिन हमने दिखाया था कि ये जो 3 पोस्टर लगाए गए हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में, इन तीनों में केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष थी जो सवाल उठा रही थी कि जो बैठक होने वाली है उस पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें मुख्यमंत्री को भी आ रही थी कि 3 बड़े नेता को एक साथ एक मंच पर लाना, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जब आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक है तो तमाम वो नेता एक साथ होंगे, चाहे वो केसी त्यागी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, ललन सिंह हो, या खुद केंद्र मंत्री आरसीपी सिंह हो। हालांकि आरसीपी सिंह जब मंत्री बने थे उसके बाद पहली बार जब पटना आए थे तो पोस्टरों में ललन सिंह की जो तस्वीर थी वो गायब थी, और जब ललन सिंह आए थे तो आरसीपी सिंह की तस्वीर गायब थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी कम नहीं थे, बीते दिन कई बार ऐसा हुआ है जब आरसीपी सिंह पर ही उन्होंने बयान दे दिया। तो कई बार ऐसा सामने बात आया है कि अलग अलग जो पावर स्टेशन दिख रहे थे उन्हें अब एक जगह मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। और जो हमारे पीछे आप पोस्टर देख सकते हैं ये ज़रूर बता रहा है कि जो सर्वश्रेष्ठ हैं अब जनता दल यूनाइटेड में वो केवल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और तमाम कोशिशें ज़रूर की जाएंगी, आज शक्ति प्रदर्शन भी किया जा सकता है, क्योंकि तमाम जो सांसद हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्र मंत्री हैं, तमाम जो लोग हैं, तमाम डेलीगेट्स हैं, वो एक साथ रहेंगे। चलिए और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव मनेर के लिए निकल चुके हैं। तो मनेर दौरे पर तेज प्रताप यादव निकल चुके हैं, और पटना में हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद तेज प्रताप यादव मनेर जाने वाले हैं। मनेर सहित कई इलाकों का दौरा करेंगे तेज प्रताप यादव। बता दें कि मनेर के बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे तेज प्रताप यादव। तो आज मनेर दौरे पर हैं तेज प्रताप यादव, बाढ़ प्रभावित इलाकों का और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे तेज। और चलिए इस पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, तेज प्रताप यादव मनेर दौरे पर निकल चुके हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? बिल्कुल, देखिए उनको वो तकरीबन दोपहर 1 बजे अपने आवास से निकले हैं और पटना में उनको एक अस्पताल का उद्घाटन करना है। उसके बाद वो मनेर के लिए निकलेंगे, मनेर पहुंच रहे होंगे जी। और वहाँ मनेर के कई इलाकों में वो जाएंगे। मनेर में एक जगह स्वागत कार्यक्रम रखा गया है, उसके बाद वो हल्दी छपरा भी जाएंगे, बाढ़ प्रभावितों से मिलेंगे, पीड़ित परिजनों से मिलेंगे जो बाढ़ से प्रभावित हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं। तो एक तरह से ये दिख रहा है कि वो किस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। कल अचानक पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं, फिर देर रात पटना विश्वविद्यालय पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे, लड़ाई जारी रहेगी, लालू रसोई का काम पूरा फिर से शुरू होगा। तो बिल्कुल बैकफुट नहीं दिख रहे हैं तेज प्रताप यादव, वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, बाढ़ की विभीषिका पूरा बिहार झेल रहा है, और ऐसे में बिहार सरकार के साथ तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोल दिया था। उन्होंने ये कहा था कि फिलहाल बिहार वासियों को, बिहार की जनता जो बाढ़ पीड़ित है उन्हें जरूरत है, और ऐसे में तेजस्वी यादव बार बार दिल्ली चले जाते हैं जब विवाद चल रहा था। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तेज प्रताप यादव ने कमान संभाल ली है बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने की और पूरे स्थितियों का वो जायजा अब लेंगे? देखिए तेज प्रताप यादव उस तरह से आक्रामक अब तेजस्वी यादव पर नहीं है जी, जगदानंद सिंह पर नहीं है। कल ही उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह अगर हमारे चैंबर में आ जाते तो भतीजे से मुलाकात हो जाती, तो थोड़े नरम तेवर भी उनके दिखे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव का जो मिजाज है उसमें वो पूरी तरह से शांत पड़ जाएंगे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर वो ज्यादा देर तक आक्रामक रह भी नहीं सकते। वो कहते रहे हैं कि तेजस्वी हमारे अर्जुन है, मैं उनका कृष्ण हूँ और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर तेजस्वी को लेकर उनके जो तेवर है वो नरम है। बिल्कुल,
बिल्कुल अभिषेक, और दिल्ली से आने के बाद तेज प्रताप के तेवर तो ज्यादा ही नरम लग रहे हैं। आकाश यादव को लेकर भी उनके तेवर, जो तल्ख तेवर की उम्मीद की गई थी वो तल्ख तेवर नहीं दिखे, तेवर काफी नरम है। और ऐसे में तेज प्रताप का जो ये नया रूप है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप देखना यह है कि तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल मनेर दौरे पर है राजद नेता तेज प्रताप यादव, और यहां वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, ककर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं मधुर वाणी, जिंदगी का सार राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट पापा। बेटा, ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो, पियू, पियू, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां एक बार फिर से बिहार शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक संघ द्वारा पटना के JDU कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया जाता है, ये भी आश्वासन दिया गया था कि 15 अगस्त तक सभी को खुशखबरी मिल जाएगी, यानी सभी शिक्षकों को एक खुशखबरी दी जाएगी। लेकिन 29 अगस्त तो हो चुका है और अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गए। हम लोगों का मांग सिंपल है सर, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु इसलिए क्योंकि सरकार हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है 12 साल से हम लोग को जिंदगी के साथ खेल रही है सरकार। यहाँ पे BPED कॉलेज नहीं रहने के बाद भी हम लोग अदर स्टेट में जाकर के BPED करने के बाद आज तक हम लोग खाली धुतकार पा रहे हैं। हम लोग को खाली ये मिल रहा है, फटकार मिल रहा है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमसे पूछ करके BPED किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचते हैं तो उनको कहता है हमको कुछ पता है फिजिकल टीचर क्या है। जब उनको कुछ पता नहीं है, शिक्षा मंत्री के पास कोई विजन नहीं है, तो उसके बाद करना क्या है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, लगातार हम देखते आ रहे हैं कि शिक्षक सरकार से अपनी कई मांगों को लेकर गुहार लगाते रहे, आखिर शिक्षकों की क्यों नहीं सुन रही है सरकार?
इस आफत पर शर्मिला कई बार ऐसा हमने दर्शकों को देखने को मिला है कि शिक्षक सरकार से गुहार लगाते हैं लेकिन बदले में सिर्फ लाठी चार्ज का सामना करना पड़ता है। कई बार बीते एक महीने में करीब हमने 2 से 3 बार ऐसा देखा है, चाहे वो एसटीईटी को लेकर परीक्षार्थी हो, चाहे आज जिस तरीके से परीक्षार्थियों ने शिक्षकों ने जदयू के प्रदेश कार्यालय के समक्ष हंगामा किया, साफ तौर पर कहा कि हमने मुख्यमंत्री से पहले भी मांगी थी लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन मिला था कि 15 अगस्त से पहले आप लोगों को जो शुभ संकेत है वो मिल जाएंगे, लेकिन आज 29 अगस्त हो गया है, उन लोगों को कोई भी किसी भी तरह की जो सहायता है वो नहीं मिल रही है, सरकार से जो मांग की गई थी वो पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में आज हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, हमें पता चला है कि आज मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो हम लोग उनसे मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें भगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर शिक्षा व्यवस्था बिहार की गिरी है तो उसके कहीं ना कहीं जो बड़ा कारण है वो मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी क्या स्थिति है वहां की, उत्कर्ष, क्या पुलिस की लाठीचार्ज के बाद से वहां थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब लाठी चार्ज हुआ उसके बाद जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा तनाव बढ़ी हो गई थी। आनंद फानंद में पुलिस द्वारा जो तमाम शिक्षक थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया, हालांकि जो सीएम का प्रोटोकॉल है उसके तहत जो शिक्षक हैं वो वहाँ नहीं खड़े हो सकते थे, जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं खड़े हो सकते थे, तो उन सबों को यहाँ से हटा दिया गया। शर्मिला, बिल्कुल, तो लाठी चार्ज का प्रयोग हर बार होता है लेकिन शिक्षकों की जो मांगे हैं, शिक्षकों की जो शिकायतें हैं उसे पूरा नहीं कर पाती है सरकार। और अब देखना ये होगा कि आखिर कब सरकार शिक्षकों की सुनती है, आखिर कब शिक्षकों की मांगों को सुनती है सरकार। तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेगूसराय की, जहां क्रिकेट खिलाड़ियों ने डीएम ऑफिस में क्रिकेट खेलकर खेल दिवस के मौके पर सरकार का अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आज मेजर ध्यानचंद की जयंती को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस के मौके पर बेगूसराय के खिलाड़ियों ने बेगूसराय में खेल स्टेडियम निर्माण कराने, खिलाड़ियों को संसाधन उपलब्ध करवाने, सरकारी प्रोत्साहन समेत कई मांगों को लेकर यह सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम ऑफिस में क्रिकेट खेला गया। खिलाड़ियों ने कहा कि सरकार खेल नीति बनाती है लेकिन खिलाड़ियों को इस नीतियों से कोई फायदा नहीं पहुंचता है। आज हम खिलाड़ियों के लिए दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, आज बेगूसराय जिला में एक भी स्टेडियम नहीं है। अगर एक स्टेडियम है, हमारे कलेक्ट्रेट के सामने वाले स्टेडियम को आप जाके देख लीजिए किस दुर्दशा में है, क्या स्थिति में है। आज हम लोगों ने सिर्फ एक सांकेतिक हमने मैसेज दिया है यहाँ के जिला प्रशासन को और सरकार को कि आप एक खेल नीति की बात करते हैं, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना की बात करते हैं, हर एक प्रखंड में एक एक स्टेडियम की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा बेगूसराय में एक भी स्टेडियम नहीं है। हम खिलाड़ियों ने आज सड़क पर को ही मैदान के रूप में आज हम लोगों ने उपयोग किया कि हमको अगर मैदान नहीं है तो हम लोग सड़क पर ही खेलेंगे। और मोतिहारी में 72 घंटे के अंदर ही सीताराम सरोवर धाराशाही हो गया। जी हाँ, 72 घंटे पहले सरोवर का उद्घाटन हुआ था और 72 घंटे बाद उस सरोवर का नामो निशान नहीं है। आपको बताते चले कि 22 लाख की लागत से इस सरोवर का निर्माण हुआ था और ऐसी स्थिति में स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों पर गबन का आरोप लगाया है। पकड़ी दयाल एसडीएम के आवासीय परिसर में इस सरोवर को बनाया गया था और सरोवर का डीएम और पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने उद्घाटन किया था, लेकिन अब 72 घंटे बाद क्या जो स्थिति है, 72 घंटे बाद का जो नजारा है वो बिल्कुल अलग है। दीवार उसका उत्तरी भाग जो है थोड़ा इंक्लाइंड हुआ था जी, तो उसको इंजीनियर वगैरह तोड़ करके नए सिरे से बनाने जा रहे थे, उसी क्रम में वो दीवार गिर गया है। आप देख रहे होंगे तो अनुमंडलीय परिसर में वो तालाब बना गया था, उसका सौंदर्यीकरण भी कराया गया था जी, आप लोग भी उसमें थे जी, उसको सीरियसली लिया गया है और पुनः नगर पालिका को पत्र दिया गया है कि जो गिरा है पार्ट उसकी सारी राशि की वसूली होगी और अपने निजी कोष से सारे निर्माण फिर से उन लोगों को कराना पड़ेगा, नहीं तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी सरकार। अनुमंडल में आपके आने से और मुजफ्फरपुर की औद्योगिक विकास क्षेत्र लगातार हो रहे बारिश के कारण जलमग्न हो गया। जल जमाव ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है और आलम यह है कि बेला केंद्र का दोनों फेज यूनिट ठप पड़ गया है। जितना पानी निकल रहा है उससे अधिक पानी लगने लगा है। लगातार हो रही बारिश से बियाडा पूरा प्रभावित हो चुका है, कई फैक्ट्रियों में पानी भर चुका है और इससे उत्पादन बेहद प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि जिला उद्योग केंद्र MD परिमल कुमार ने बताया कि जल जमाव से थोड़ी राहत मिलने लगी थी और अब
हालत और भी ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है। 2.5 फीट अभी पानी है, मेरे कार्यालय और मॉल के बीच में लगभग 2.5-3 फीट पानी है। कर्मी को भी जाने में परेशानी, उद्यमी भी आते हैं उनको भी परेशानी है। और ये अभी निकासी का भी नाला वाला कुछ खोला गया है, धीरे धीरे पूरे शहर का जल जमाव यही होता है, यही होके जाती है। प्रशासनिक स्तर पे अभी तक कोई चल रही है, नगर निगम द्वारा कार्य की जा रही है, ब्याडा भी अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। यूनिटें प्रभावित है, पूरे फेज वन की लगभग सारी यूनिटें प्रभावित। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जहां लगभग 2 सालों से पठन पाठन पूरी तरह बंद था, वहीं अब सरकार द्वारा विद्यालय खोले जाने का आदेश दिए जाने के बाद छात्रों के साथ साथ अभिभावकों के चेहरे पर भी थोड़ी खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन सुपौल के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय है जहां पूरे विद्यालय को ही अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण विद्यालय में पठन पाठन का कार्य ठप हो गया है। और सुपौल के छुटेही हनुमान नगर में दबंगों ने 2 नाबालिग लड़कों को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। जी हां, जानकारी के अनुसार छुटेही गांव के मस्जिद टोला के एक युवक का चापाकल का हैंडल चोरी हो गया और उसको लेकर कुछ लोगों ने गांव के ही 2 नाबालिग लड़कों पर आरोप लगाया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। दबंगों ने दोनों नाबालिग लड़के को लाठी डंडों से पीटा, फिर कुछ लोगों के वहां आने के बाद बीच बचाव करने पर दोनों को मुक्त किया गया। वहीं पिटाई का ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आया था और इसमें पीड़ित के पिता के आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिसमें पीड़ित के पिता द्वारा 5 व्यक्ति का उनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध छापामारी की जा रही है। चलिए और बाढ़ का रौद्र रूप अब आपको दिखाते हैं, बाढ़ की भयावता को आपको दिखाते हैं। बात करते हैं कटिहार की, जहां अहमदाबाद प्रखंड का 14 पंचायत बाढ़ से त्राहिमाम हो चुका है। हालांकि जिस रफ्तार से 14 पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है वह अब धीरे धीरे घटने लगा है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन निचले इलाके के लोगों को अब भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे लोग सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कुछ खास मदद नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बाढ़ पीड़ित अब भगवान भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं। और बेतिया में कई दिनों से मूसलाधार बारिश और गंडक नदी का कटाव तेज हो गया है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग की तरफ से बचाव कार्य चल रहा है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग की तरफ से सही कार्य नहीं हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान थोड़ू नहीं मधुर वाणी, जिंदगी का सार राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे।
नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं जीटीवी भारत। और इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने या यूं कहें किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ भरत शर्मा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीटीवी भारत। हमरो तरफ से जीटीवी भारत के पूरा परिवार के अपने श्रोता बंधु लोग के हम प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, डीटीवी भारत एगो मुहिम चलेले बा सर, मुहिम बा भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ। भोजपुरी में जौन अश्लीलता आ गइल बा, भोजपुरी जैसे बदनाम हो रहल बिया, दूसरा जगह पे गइला पे बड़ा माने अजीब विचित्र स्थिति पैदा हो जाला। आ ओकरा साथ साथ मुहिम हमनी के इहो बा कि एगो सेंसर बोर्ड के गठन होके के चाहे, साथ ही साथ मुहिम हमनी के इहो चला रहल बनी जा कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कइल जाए। रौरा से हम पहले तो कुछ समझल चाहते नहीं कि आखिर भोजपुरी का हटे का अभी जवन गाना आ रहल बा जौना के लोगों के पहुंचावल जाता, का इहे भोजपुरी हटे? सबसे पहले तो भोजपुरी हमनी के मतारी है जी। भोजपुरी हमनी के आदर्श है, भोजपुरी हमनी के अग्रज है, जौना से हमनी के भोजपुरी बोली ले जा, समझी ले जा, सुनी ले जा जी। अब पूरा हिंदुस्तान ही ना, कई देशन में भोजपुरी के बोलल समझल जाला। बिल्कुल। अच्छा, तो हम रौरा से समझल चाहते नहीं, एगो तो बहुत मेहनत कई के रौरा सब है, चाहे